होगा। तो आप सभी का स्वागत है भाई, होगा तो आप सभी का स्वागत करते हैं भाई एक और नई वीडियो के अंदर। और हमारे साथ अनाज में एक वीडियो यहाँ पर ये बैठे थे भाई, और इतने प्यारे प्यारे सेवक हैं, सेवक ही तो बाल सेवक, हाँ बाल सेवक, बाल सेवक, बाल सेवक। तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बाल सेवक है भाई, इनके जीवन के बारे में पता करेंगे, जीवन परिचय इनकी लाइफ में किस तरीके का जो बदलाव, क्योंकि आज के टाइम है ना बच्चे, देख काम कर ना, अरे एक गिलास पानी का ले ये क्यों ले आऊँ। और ये यहाँ पर है ना इतनी तगड़ी सेवा दे रहे हैं, 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की, और घंटे की नहीं दिनों की सेवा दे रहे हैं, महीने की। तो आइए बातचीत करेंगे भाई ये, क्योंकि स्कूल में स्टडी भी करते होंगे, लेकिन संस्कार का अलग ज्ञान हुआ, स्कूल का अलग ज्ञान हुआ है। अगर संस्कार का ज्ञान स्कूल में मिल जाए ना तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन जीने के लिए संस्कार जरूरी होने चाहिए, ना कि ज्ञान। और ज्ञान में दोनों चीज़ हम मिक्स कर सकते हैं, लेकिन संस्कार जो अलग चीज़ होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपकार सिंह है। उपकार? लापरी सिंह, सुखमीत सिंह, जसप्रीत सिंह। ये सिंह है भाई सारे, आपने लवप्रीत, आपका क्या नाम? उपकार। उपकार, देखो उपकार सिंह, उपकार शब्द का मतलब है किसी पे दया करना, सहन करना, वो करना। अच्छा बताओ आप कब से सेवा कर रहे हैं? हम बचपन से ही लगे हैं मिशन में। बचपन से छोटे थे जब से? हाँ हाँ, तब से वर्दी पाई हम सब ने। जब से वर्दी? हाँ तब से। तो अभी ये उम्र की कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो 17 ईयर्स का हो चुका हूँ, 11th क्लास में हूँ अभी। और आप कितने साल के? मैं 15 साल था। हम भी 15 साल, 15 साल के पढ़ते ही होंगे स्कूल में भी। तो तब से आपके पिताजी तो पहले से जुड़ रहे होंगे? वो भी बचपन से जुड़े हैं। बचपन से जुड़े हैं, तो ये लगता है कि आप सिख धर्म से हो शायद ना? हाँ जी, हाँ जी, सिख धर्म। तो यहाँ तो कोई ऐसी बात होगी नहीं भाई, वैसे गुरु जी को मानते होंगे, गुरुद्वारे में भी जाते होंगे? जी जी। अच्छा ये बताओ ये सेवा में क्या क्या करते हो आप पूरा दिन? हम बस कभी ट्राली में महापुरुषों को ले गए, और बाद में फिर वहाँ पर छोड़ दिया मैदानों में, और उनके साथ जो उनका सामान है वो रख के आना, और अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। अच्छा, सामान भी रख के आना? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ भी सेवा करवा लो? हाँ जी, कुछ भी। सफाई वगैरह भी करते होंगे? हाँ जी, हाँ जी, अंदर बहुत सेवा दल है, और बहुत सेवा की तो कमी नहीं रहती, जितने महापुरुष आओगे, जितने महापुरुष उससे ज्यादा सेवा है। तो ऐसा भी है कभी आपका कुछ ऐसी दिक्कत आई हो भाई, चलो मन ऐसा हो गया भाई मेरे पास नहीं होगी सेवा, दिक्कत आती है? नहीं नहीं, जब सेवा में जीत जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कई बार आदमी घर कहीं नहीं काम करता तो बाहर का तो क्या करेगा? नहीं, हमें शिक्षा ये मिलती है कि पहले घर की सेवा, बाद में यहाँ की सेवा। बाद में आके पहले घर वालों की, फिर यहाँ की। अच्छा, आप में और बच्चों में क्या अलग डिफरेंस है? संस्कार में क्या क्या हासिल करे आपने, मतलब जीवन जीने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? जीवन जीने के लिए गुरु का ज्ञान जरूरी होना चाहिए, गुरु सत्संग जरूरी होना चाहिए, इनसे बात करो। आप भी सत्संग करते हो? हाँ जी। आप भी? हाँ जी, इनसे की वो भी करे, आपने दर्शन भी करे परमात्मा के, ध्यान भी लगाया होगा ना? गुरु माता ने लगवाया होगा ध्यान, तो उस टाइम तक परमात्मा के दर्शन हो या? हाँ जी, हाँ जी। कैसे दिखते हैं? बस आपके सामने, आपके जैसे, आपके अंदर ही हैं, सब में है, सब में है। तो गुस्सा भी आता है कभी? नहीं, गुस्सा का है गाना आता नहीं, गुस्सा गुस्सा का कुछ नहीं आता। गुस्सा क्यों आएगा जब सब में परमात्मा है, तो गुस्सा का है? आपकी तो उम्र खेलने की शरारत कर, हाँ खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, आपके सामने भी खेल ही रहे थे, हंस खेल रहे थे। तो बात यह है कि बस परमात्मा का ज्ञान जिस उम्र में हो जाए, वो जिसको आप कहते हैं कि बधाई के पात्र हैं। तो पिताजी भेजते हैं, चलो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी आते हैं। चलो जी, देखो भाई ये हैं इनकी लाइफ, पढ़ाई भी मन लगता होगा? पढ़ाई भी मन लगता है, पढ़ाई करते हैं, और हर एतवार के एतवार भी संगत होती है, वहाँ पे हम जाते हैं। तो संस्कार में क्या क्या हासिल मिले आपने भाई? बड़ों का आदर करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, आदर करना चाहिए, वो जो कहें उनको माने, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आदर करें। अगर जो कोई गलत कहे आपसे आगे, तो शांत हो जाएं, उसे माफ़ी मांग लें, उसकी गलती है या हमारी गलती है, ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई गलत मारता है, दिशा निर्देश दे रहा, तो उसको समझाना भी चाहिए, या ऐसे प्रावधान भी है? हाँ हाँ, समझाना चाहिए, जरूरी है समझाना। इस मिशन में कोई बच्चा बूढ़ा या जवान नहीं, सभी एक हैं, और कोई किसी बच्चे को बच्चा नहीं समझता, कोई किसी बूढ़े बुजुर्ग को बुजुर्ग नहीं समझता, सब एक की जोत है। क्या क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? हम कोई बात नहीं, अभी निरंकार को पता है, इनसे क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? हाँ जी। क्यों? शौक से बचपन से, क्योंकि पुलिस का काम बहुत अच्छा होता है, मुझे पुलिस बहुत अच्छी लगती है,
कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा लगता है कि इसके लिए। अच्छा आप क्या बनोगे भाई? हम भी पुलिस हूँ। मैं जो ओनर कार बना दिए हुए। हाँ ये बात है ना, ये भाई तो पुलिस में ला गए और पता नहीं सो भगवान तो क्या बनेगा भाई। बस के इसकी बात ही सेवा सेवा करनी है बस समाज की किसी रूप में। सही। हाँ ये बात सही कह रहे हैं भाई, समाज की सेवा करनी चाहिए। चलो बड़ा अच्छा लगा, अपनी तरफ से भी कुछ कहोगे? क्या कहना है, जानकारी जो आपके उम्र के बच्चे देख रहे हैं उनको क्या कहो? बस यही कहेंगे कि अपने माँ बाप का सत्कार करें और उनसे प्यार करें और जो भी हो अपनी ओर से बढ़कर उनकी सेवा करें और बस उनका आदर करें। ये प्यार शब्द की कैसी उत्पत्ति हुई है? प्यार, प्यार ही तो प्यार, सारे संसार में प्यार बढ़ेगा तो ही शांति अमन आएगा। क्यों? लेकिन प्यार तो किसी से भी हो सकता है। वो तो अलग बातें हैं, पर जो मूल प्यार है वो प्यार है ना। प्यार है सही, जो माँ बाप से प्यार है वो होना चाहिए। तो होना चाहिए। चलो भाई सही लगा भाई यहाँ पर। ऐसे एक बात बताओ, धन निरंकार का मतलब क्या है? धन निरंकार, ये निरंकार धन्य है। अच्छा। इसकी इसके गुणगान करने के लिए हम धन निरंकार कहते हैं। अच्छा अच्छा, सेवा करनी है ना, सेवा के लिए बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो भाई ओके, बहुत बढ़िया लगा। और धन निरंकार जी हैं, और आप देखना चैनल पे आपकी दिखाई जाओगी सेवा। घर पे भी सेवा करया करो, हम भी करते, पेड़ पाठ भी लगाया करो ना। हाँ हमारे ये मतलब मिशन का ही एक वृक्ष लगाते हैं, और जो हमने जल साफ जल क्यों ना कहते आप कहते प्रोजेक्ट है, अमृत प्रोजेक्ट है, उसमें हम जो हमारे आस पास नहरें हैं तालाब हैं उनको साफ भी कराते हैं माता जी। हाँ जी हाँ जी, मिशन के कई कार्य हैं जो जनहित के लिए बहुत लाभदायक है। देखो भाई जीवन जीने के लिए जो कला सिखाई जाती है ना वो यहीं पे सिखाई जाती है। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, इतना अनुभव उनका लेता हूँ, उनके जीवन परिचय के बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो लोग हैं ना, क्योंकि ईश्वर सत्य है आप सभी ने पता है, क्योंकि कुछ लोग बोल लेंगे कि बहुत सारे इसको वो भी मानते हैं अलग अलग धर्मों से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन परमात्मा जो है वाक्य में ही है। क्योंकि एक बार मैं सवाल करा कि परमात्मा कैसे कर सकते हो आप साबित की भी कैसे है, मैं बोलिया कि भाई हवा आपने देखी है, बोलिया कि नहीं लेकिन है। तो वो ही चीज़ मैं यहाँ पर समझने के लिए आपसे समझाने के लिए आया हूँ कि भाई परमात्मा होता है उसको महसूस करने वाला चाहिए। और जब सतयुग था ना, सतयुग के अंदर काफ़ी तपस्या करनी पड़ती थी और काफ़ी उसमें जोर लगाना पड़ता था भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जब भी भगवान प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन आज जो कलयुग में है, अगर थोड़ा सा भी इंसान जो है सच्चे मन से उसकी शरण में चला जाएगा तो उसका उद्धार होने की